हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि इस तरह का 3D डिजाइन का टूल पाथ कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से कटिंग होने से ये अच्छा कटिंग होगा। सपोज ये RLA फाइल हमने ओपन की है आर्टकैम में, तो इसे हमें कटिंग करना है। इसका डेप्थ कितना है ये पहले हमें देखना है, तो हम कहां से देखेंगे, ये जो स्केल रिलीफ हाइट है इसके ऊपर क्लिक करके देख लेंगे। देखिए ये 35 mm का है, तो सपोज इसको कटिंग करना है हमें आउटलाइन के साथ। पहले 3D कटिंग करेंगे फिर आउटलाइन के साथ इसको काटना है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक ऑप्शन है, देखिए इधर क्लिक करने से सिलेक्ट रिलीफ लेयर, फिर इधर क्लिक करके हम 1 mm सिलेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट बाउंड्री। इससे क्या है, ये बाउंड्री बन जाएगा, देख रहे हैं। तो इस बाउंड्री का हम सिलेक्शन कर लिए, फिर इसके बाहर में ऑफसेट दे रहे हैं 12 mm, तो आउटसाइड में हम 12 mm बॉर्डर दे रहे हैं ऑफसेट, ठीक है। और अंदर वाला लाइन जैसे हैं ऐसे ही रहेगा। ये 12 mm वाला आउटलाइन सिलेक्ट करके पहले हम क्या करेंगे, जेड रफिंग करेंगे। तो जेड रफिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, टूल पाथ में जाकर 3D टूल पाथ के अंदर देखिए जेड लेवल रफिंग, इधर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक्ट करेंगे, फिर रफिंग टूल यूज करेंगे 6 mm एंड मिल, तो 6 mm एंड मिल हम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद एडिट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। देख लीजिए 35 mm हमारा कार्विंग हाइट है, तो हम सपोज 5 mm करके अगर कटिंग करेंगे तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से रिजल्ट कितना आता है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 बार ये स्लाइस करके जेड रफिंग करेंगे, देखिए ठीक है। तो 7 बार जब स्लाइसिंग करके जेड रफिंग करेंगे तो 6 बार जेड रफिंग होगा और लास्ट वाला 5 mm रह जाएगा, उसको हमें 3D फिनिश करना है, ठीक है। तो हम इधर पहले क्या करेंगे, 6 mm एंड मिल चला के हम ये टूल पाथ करेंगे। और दूसरा बात है, इधर फीड रेट और प्लांग रेट जो है ये सॉफ्ट वुड के लिए, अगर ज़्यादा हार्ड वुड यूज करेंगे या स्टोन के ऊपर जब काम करेंगे तब ये प्लांग रेट और फीड रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फीड रेट करना पड़ेगा 150 और प्लांग रेट करना पड़ेगा 50, पर ये नॉर्मल हम MDF या सॉफ्ट वुड के ऊपर काम करेंगे तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है ये वैल्यू हम रहने देंगे। ध्यान से देख लीजिए, और 30% बीट का 30% स्टेप ओवर रहेगा, इससे क्या है फिनिशिंग सही रहेगा, बीट टूटने का चांस भी कम होगा और काम थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद हम ओके कर रहे हैं, फिर सिलेक्ट, फिर हम क्या करेंगे, मटेरियल सेटअप। तो 35 mm का कार्विंग है तो हम 50 mm में ये कार्विंग कर सकते हैं, टॉप ऑफसेट सिलेक्ट रख के ओके कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल सिलेक्ट करके ये जेड रफिंग करेंगे, इससे क्या है बीट जब चलेगा बीट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और काम भी सही से हो जाएगा। सिमुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए, तो ये इस तरह से हम स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3D फिनिश करेंगे, ये स्लो मोशन में अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जेड रफिंग में स्लाइसिंग होगा और 45 डिग्री एंगल से होगा। जब स्टोन के ऊपर आप काम करेंगे इस तरह से आप जेड रफिंग कर लीजिएगा,
इससे बीट टूटने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, 35 mm का हाइट है तो आप जो बीट यूज करेंगे वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, क्योंकि छोटा वाला बीट से काम करेंगे तो कोलेट जो है डिजाइन के ऊपर घिस जाएगा, इसीलिए 4.5 inch या 5 inch लंबा बीट यूज कीजिएगा और 6 mm एंड मिल यूज कीजिएगा, क्योंकि 6 mm एंड मिल जो है वो पूरा एरिया क्लियरेंस करके जो जगह बचा के रखेगा उसमें आप छोटा वाला बीट यूज करके काम कर सकते हैं। तो हम जब 3D फिनिश करेंगे कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा बीट यूज करने के लिए, जैसे 4 mm, और अगर हमारे पास बहुत बड़ा डिजाइन हम बना रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा वर्क है, जॉब है, तो हम क्या करेंगे 6 mm का बॉल नोज भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम 4 mm से ही देखेंगे, अगर 4 mm में रिजल्ट सही नहीं आया तब हम 3 mm का बॉल नोज यूज करेंगे। देख लीजिए, 3D फिनिश करने के लिए सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या है इधर से 4 mm बॉल नोज सिलेक्ट करेंगे और स्टेप डाउन जो है 0.5 mm देंगे और बाकी जैसा है वैल्यू ऐसा ही रहेगा और बीच का 10% रहेगा, पर स्टोन के ऊपर या हार्डवुड के ऊपर जब होगा तब ये फीड रेट प्लांग रेट बढ़ा दीजिएगा। फीड रेट स्टोन के लिए 150 होगा और प्लांग रेट होगा 50 वो स्टोन के लिए, नॉर्मली जैसा है ऐसा ही रखिएगा। ओके, फिर हम नाउ करके टूल पाथ अभी क्रिएट हो गया, अभी क्लोज करके सिमुलेशन दिखा रहा हूं, देख लीजिए तो कटिंग बढ़िया हुआ है, रिजल्ट अच्छा है, मतलब हम 4 mm का बॉल नोज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आउटलाइन जो है आउटलाइन को कटिंग करना पड़ेगा। तो आउटलाइन कटिंग करने के लिए हमने जो आउटलाइन सिलेक्ट करके रखे थे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पहले अंदर वाला आउटलाइन फिर बाहर वाला आउटलाइन सिलेक्ट करके हम अभी सिमुलेशन बनाएंगे 2D टूल पाथ का, जिससे ये आउटलाइन कटिंग हो जाए और हमारा डिजाइन उधर से निकल जाए। तो इधर क्लिक करके हम 50 mm आउटसाइड से ही कटिंग करेंगे और स्टेप डाउन देंगे 5 mm करके, 6 mm एंड मिल यूज करेंगे, 5 mm करके स्टेप डाउन देंगे, स्टोन के लिए 0.5 mm या तो 1 mm, और ये जो फीड रेट होगा 150 और प्लांग रेट 50, पर नॉर्मल स्टोन के वुड के लिए ये जो हमने वैल्यू दिखाया बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही रहेगा। फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, अभी हम सिमुलेशन चेक करके देख लेंगे, स्लो मोशन में देख लेता हूं थोड़ा सा। देखिए ये बाहर से कटिंग हो रहा है तो बाहर पहले कटिंग हो जाएगा, तो अंदर वाला लास्ट में कटिंग हुआ तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि अंदर वाला कटिंग नहीं होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा अंदर वाला लाइन का गैप कितना है, क्योंकि हमेशा राउटर ये जो CNC है आर्टकैम में जब फाइल बनाते हैं अंदर से ही शुरुआत करते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा अंदर वाला जो लाइन है उसका गैप कितना है, अगर बीट से छोटा है गैप तो कभी वो कटिंग नहीं होता है, तो हम एक बार चेक कर लेता हूँ कि अंदर वाला गैप कितना mm का है, जूम करके देख लेता हूँ। तो इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, करने के बाद क्या है इसका गैप कितना है ये हम देख लेंगे। अब भी कोई बार जब ऐसे टूल पाथ बना रहे हैं और इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो हमेशा ये चेक करके देख लीजिएगा। इसको हमने अलग कर लिया और इसके अंदर एक स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूँ। स्टार्ट पॉइंट देने से क्या होता है, अगर ये लाइन का गैप सही है तो पहले अंदर से ही कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक बार टूल पाथ बना के चेक करके देखूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसके मतलब उसका जो अंदर का गैप है वो बहुत ही छोटा है, इस वजह से नहीं हो रहा है वो दिखाऊंगा। पहले इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो फिर से टूल पाथ बना रहा हूं और सिमुलेशन चेक कर रहा हूं, देख लीजिए
फिर भी देखिए बाहर से कटिंग हो रहा है, तो हम क्या है अंदर वाला आउटलाइन सिलेक्ट करके एक बार देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको अभी बंद करके अंदर वाला से एक बार करके देखूंगा। बंद कर लिए, अभी अंदर वाला छोटा जो लाइन आर्टवर्क है उसको जूम करके हम देखेंगे और उसके अंदर लाइनिंग बना के एक सर्किल बना के उसका डेप चेक करेंगे। उससे पहले हम खाली सिंगल एक बार सिलेक्ट करके देखने वाला हूँ कि इसमें टूल पाथ होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है उसके मतलब वो गैप बहुत ही छोटा है, देखिए वो नहीं हो रहा है, इसके मतलब उसका गैप जो है छोटा है। अभी गैप को मैं चेक करूँगा, देख लीजिए किस तरह से चेक करूँगा। इस तरह से जूम कर लिया और अभी क्या है एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। इधर क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करके उसके अंदर का गैप हम चेक कर लेंगे। जूम करके बना रहा हूँ, देखिए अंदर वाला गैप बहुत ही छोटा है, 2 mm के आसपास है। तो 2 mm बीट से तो हम कटिंग नहीं कर पाएंगे, बीट टूट जाएगा क्योंकि 35 mm हाइट है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह को अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये अगर कटिंग नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम खाली बाहर वाला आउटलाइन सिलेक्ट करके उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही छोटा है तो ये इग्नोरेबल है, इसको हम इग्नोर कर रहा हूँ, इसको कटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो इधर हम खाली नॉर्मल आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे, करके वो टूल पाथ बना के देंगे, ठीक है। देख लीजिए जिस तरह से पहले टूल पाथ बनाया था उस तरह से ही हम टूल पाथ बनाएंगे। तो अभी सिमुलेशन चेक करके देख लेता हूं कि कटिंग सही होता है कि नहीं, ठीक है। देख लीजिए कटिंग सही हो गया। तो इस तरह से कोई भी फाइल का काम पूरा करके आप आउटलाइन कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।